कार्यालय में ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य है। देखिए दो रहस्य बता दो फिर अपनी बात खत्म कर दो। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने, कूलर को देखते होंगे आप, एक जाली लगी रहती है उसमें पानी डाला जाता है और उसमें पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूं हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूं मैं। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है, और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंग ही बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। एक सवाल, तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है भैया। एक सवाल, सर एक सवाल, ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इसके का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहां नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे, कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहां गए वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है, आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी, और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। मैंने उसमें कहा है कि किसी भी तरह का संविधान से दिया हुआ आरक्षण में छेड़खानी स्वीकार नहीं कर सकते।